किन सोचों में घूमे तू? हाथ में थोड़ी जान लिया, दबा दे जरा सही तरीके से। मैं कुछ सोच रही थी। क्या क्या सोच रही है? कौसर बहन आई थी ना फिजा की चूड़ियों का और जूते का नाप लेने के लिए, तो बातों बातों में ऐसी बातें कर रही थी जैसे उनको जहेज का लालच है ना। बार बार वो यही बात कर रही थी, गृहस्थी तो औरतें चलाती हैं, मर्दों का क्या लेना देना इसमें। मुझे तो ना कौसर बहन की बातों ने परेशान कर दिया। ऐसा लग रहा है कि जहेज ना लेने वाली बात जो है ना, वो सिर्फ नजीर भाई ने खुद से की है, इनको कुछ नहीं पता इस बात। बात सुन, नजीर भाई ने जहेज को लानत समझकर मना कर दिया है। बहुत अच्छा आदमी है, भला आदमी है, मना हो गई बस। अब अगर उसकी औरतें लालच कर रही हैं तो मैं क्या करूं? लेकिन असलम साहब, हमारी बेटी ने तो घर पे ही रहना ना सारा दिन अपनी नंद और सास के साथ, न जाने बाद में वो किस तरह की बातें करें, ताने दें हमारी बच्ची को। एक तो तुम औरतों को हौला देने का शौक है, खुद भी हौली रहती हो, मर्दों को भी हौला रखा है। तुम फिक्र ना करो, मैं नजीर भाई से बात करूंगा, ये बात करें अपनी औरतों से। क्या बकवास कर रही है? नहीं नहीं नहीं, बात नहीं करनी आपने, बिल्कुल भी नहीं करनी बात। अरे भाई, वो कौसर बहन खामखा में बुरा लग जाएगा। बात तो मैं जरूर करूंगा, उन्होंने शुरू की है, चाहे चाहे शादी रुक जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्यों शादी रोक दें? सारे मोहल्ले को पता चल गया कि हमारी बच्ची की शादी है। खुदा ना खास्ता अगर शादी ऐसे रुक गई तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। हो सकता है मुझे ही कोई गलत फहमी हुई हो, मैंने उनकी बात सही से समझी ना हो। अरे एक बात बता, फहमी था सच सच, उसने कही ये बात तूने सोची है? मुझसे ही गलती हो गई, मैंने ही गलत सुना। अरे ये फोन किसका है, ये आपके पास कहाँ से है? वो अभी लिया है, बहुत सस्ता सा है, तस्वीरें शस्वीरें नहीं आती इसमें। आप तो सख्त खिलाफ थे इसके, फितना बोलते थे फोन को। तो क्या अब मैं काफिर हो गया उसको लेके? हैं, आशिक माशूकी के लिए नहीं लिया मैंने, आजकल की जरूरत है? अब गाड़ी आ गई है तो क्या घोड़े पे जाऊं? अब क्या मैं लोगों को बात करूं तो खतूत लिखूं, क्या करूं? और एक बात और, मैं देख रहा हूँ फहमीदा तेरे लहजे में ना बहुत ज्यादा तंज आने लगा है, बहुत तंज आने लगा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो आपके पास फोन देख लिया तो सवाल किए। अच्छा जहेज नहीं दे रहे तो कोई थोड़े से पैसे ही दे दें, दो चार जोड़े बना दूंगी मैं फिजा के, और दुआ सानिया के लिए भी तो नए कपड़े लेने होंगे शादी में पहनने के लिए। क्यों, कहाँ लिखा है कि शादी में नया जोड़ा जरूरी है? घर की पहली खुशी है तो बच्चियों के अरमान तो है ना। मेरे पास पैसे नहीं है इन चोट लोग के लिए, मैं तुझे बता रहा हूँ साथ साथ, अपनी बेटियों से कहे कि ये जो अरमान है ना शादियों के बाद अपने शोहरों के साथ पूरा करे। कोई मेहंदी वेंदी नहीं होगी, ये कोई उपटन छुपटन, ये भी इंतहाई छुछोरे किस्म के फंक्शन है। भले ही ससुराल वाले ना आए, लेकिन हम अपने घर पे तो फिजा को माइयों बिठाएंगे ना। बच्चियों की ख्वाहिश है कि मोहल्ले की बच्चियां सहेलियां वगैरह सब मिलके उसे उपटन लगा लेंगी, घर में रौनक हो जाएगी, और क्या। मेरे पास तू एक ढेला लेने ना आ जाना, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। हाँ अपनी जेब से खर्चा कर। और एक बात और, ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, चार पांच देखों में काम हो जाए बस बहुत है। मेरा बस चले तो एक देख में काम हो, मगर बस ज्यादा लोग ना बुला लेना। और हाथ बढ़ा, कुछ कर ले, अब दिमाग खराब कर दिया, जल्दी कर, सोने दे मुझे थोड़ा। ये वाला मुझे बहुत प्यारा लगेगा, है ना? हाँ, ये शादी में पहनना। हाँ देखो कितना काम हुआ हुआ है। नाश्ता बनाओ। दोपहर के 2 बज रहे हैं और तुम्हें नाश्ता चाहिए, अपनी आदतें सुधार लो, शादी होने वाली है तुम्हारी। क्या आदतें सुधारूं भाई मैं, और छुट्टी वाला दिन है तो बंदा इसी टाइम पे उठेगा ना। नाश्ता बना रही हूँ, मैं बाहर से जाके खाऊं। अब गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मुझे बस 5 मिनट दे, मैं नाश्ता लेके आती हूँ, जल्दी करो। अरे जा कहाँ रहे हो, बैठो जरा, ये देखो ये जोड़े मैंने बनवाए फिजा के लिए, तुम भी देखो बताओ कौन सा अच्छा है। वाह अम्मी, मुझे
बिल्कुल पता है इनके बारे में और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ ये सब क्या है। भाई आपने लिया ना, आप बेहतर जानती होंगी। अच्छा ही है, कमरे में ले आओ नाश्ता। ऐसा क्यों लग रहा है भाई ये शादी नहीं करना चाहते? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस सोकर उठा ना इसलिए उसका दिमाग खराब हुआ है। तुम जल्दी से उसको नाश्ता दे दो वरना फिर चिल्लाना शुरू कर देगा। या अल्लाह, बस जल्दी से फिजा घर में आ जाए और इसके नखरे उठाए, हम तो थक गए भाई। आमीन आमीन। सुनो मैं नाश्ता दे के आती हूँ। ये संडे भी कितना बोरिंग होता है। क्यों? हाँ झाड़ू पोछा जो करना होता। तुम ना अपनी चोंच बंद रखो और काम पे ध्यान दो। पूरी दुनिया के लोग पार्टीज करते हैं, डिनर्स प्लान करते हैं, सब अच्छा अच्छा करते हैं और हम मिडिल क्लास लोग संडे का इंतजार करते हैं ताकि कब संडे आए और हम मशीन लगा के कपड़े धोएं। आप कहीं जा रही हैं? हाँ कमेटी लेने जा रही हूँ, दुआ करो कि मिल जाए। अरे शादी सर पर है, फिजा को आराम करने देती कर लेती तुम दोनों काम। नहीं ये दोनों तो मना कर रही थी, मैं बस खुद ही लगी हुई हूँ कामों में। अरे बेटा तुम्हें आराम करना चाहिए ना। करा देंगे प्यारी सी फिजा को आराम भी करा देंगे, लेकिन मुझे ये बताना हम शॉपिंग भी कब जाएंगे। मैंने ना बहुत सारी शॉपिंग करनी है और अपने लिए ना मैं शादी पे पिंक कलर का जोड़ा लूंगी। रेड तो ये पहनेगी ना? हाँ जरूर, जल्द करेंगे शॉपिंग इंशाल्लाह। सानिया जी अम्मा आओ बेटा दरवाजा बंद कर लो, जाओ जाओ काम करो। दुल्हनिया, ऐसे दुल्हनिया तुम्हें नहीं लगता कि ये दुनिया की सबसे अनोखी शादी होगी? क्योंकि मैंने अभी तक अपने बहनोई की शक्ल तक नहीं देखी। भाई उस दिन सुबह आई थी, देखी नहीं थी तस्वीर? नहीं, क्योंकि वो पूरा वक्त मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई इतना अलाप जमती रही कि जिस तक तस्वीर दिखाने की बारी आई फोन ही बंद हो गया। अल्लाह पूछे मैंने किया है ना। मैं जा रही हूँ कपड़े डालने के लिए। हाँ बस मैं भी आ रही हूँ। नहीं 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 तुम आराम करो, सुना नहीं अम्मा ने क्या कहा? मेरी बेटी को आराम करवाओ। तुम मेरी दुल्हनिया प्यारी उपटन लगाओ और सो जाओ। भाई क्या है, मैं आ रही हूँ ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, जल्दी हो जाएगा, कपड़े भी तो देखो क्या सारे आ जा रहे हैं।